इवनिंग एवरीवन। आज का जो वर्कआउट रहने वाला है आज रहेगा बेसिक चेस्ट। चेस्ट में हम लेने वाले हैं पहला जो मूवमेंट रहेगा वो एक पावर लिफ्टिंग मूवमेंट रहने वाला है, सो डेट हम वो जो बेंच का अपना टेक्निक है वो ना भूले। उसके बाद एक पुश वर्कआउट होने वाला है। रीजन बिहाइंड हम एक पुश वर्कआउट लेने वाले क्योंकि अभी मसल को भी अपना शेप में लाना है एंड उसे बिल्डअप करना है, क्योंकि अभी हमारे पास 2-3 मंथ्स का टाइम है हमारा डिस्ट्रिक्ट होने वाला है। मेरा जो पालघर का डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है वो या तो दिसंबर में होगा या फिर जैन में होगा, सो लेट्स सी। एंड अभी हम फ्रेशली कम्पिटीट करके आए कॉम्पिटिशन जिसमें हमें स्ट्रॉन्ग मैन मिला है बेंच प्रेस में। मैं बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट को मैं इजीली जीत जाऊंगा, स्टेट में मुझे कुछ कॉम्पिटिशन्स मिलेंगे, मुझे उस पर फोकस करना है। एंड मेरा जो मेन फोकस होने वाला है वो रहेगा नेशनल पे, क्योंकि हम सब जूनियर में 9 लिफ्ट में से 3 लिफ्ट हमारे पास पास हुई, स्टिल हमें ब्रॉन्ज मिला है जो कि कहीं ना कहीं वो चीज़ का रिग्रेट है एंड उसमें कुछ हमारे साथ गलत चीज़ें भी हुई, बट अभी जो भी हुआ उसे भूल के हम आगे फोकस करेंगे। I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. My way, so you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. It was a good workout and the reason behind मैंने barbell overhead press add किया है क्योंकि अभी हम थोड़ा बहुत जो training है उसको old school वाली रखने वाले हैं, मतलब पुरानी जैसे होती थी वैसी, and थोड़ा बहुत अभी हम beginner के try train करने वाले हैं, मतलब most of the जो sets रहेंगे उसे जैसा एक beginner train करता है, मतलब अपनी हर एक बोलते हैं ना जो एक वो लास्ट वाला रैप रहता है उसे भी वो करता है, तो वो भी हम ट्रेन करने वाले हैं। तो इसलिए बाकी जो मेन कंपाउंड लिफ्ट है फॉर एग्जांपल डेडलिफ्ट एंड बेंच एंड स्क्वाट उसको डीलोड दिए हुए हैं। डीलोड जो है वो डेडलिफ्ट को नहीं देंगे, वो सिर्फ हम देने वाले स्क्वाट को। बेंच जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देंगे क्योंकि बेंच को कभी भी डीलोड नहीं देना चाहिए, उसमें हमेशा आप पुश करते रहो, बेंच हमेशा ठीक ठाक चलती रहती है, उसमें मैं कभी भी डीलोड नहीं देता। तो ये रीजन है, ये मैंने पहले कहा था रीजन बिहाइंड हम लोग ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अभी मसल्स को भी थोड़ा बहुत अपना शेप में लाना है एंड मेन इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो है लेग्स, क्योंकि लेग्स को ग्रो करना है अगर एक अच्छी स्क्वाट लगाना है, क्योंकि हैवी स्क्वाट में जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि मेरे जो नीज है वो इनवर्ट चले जाते हैं, तो वो चीज़ को सही करने के लिए लेग्स में थोड़ा बहुत मसल्स डालना पड़ेगा। मिलते हैं।